got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reaction. वेलकम बैक, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग से डीआईवाईज एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। काफी सारे आपको आइडिया मिलेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। तो जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है वर्षा और मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारी ऐसी वीडियो जो आपसे रिलेटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन डीआईवाईज वीडियोज, काफी सारी चीजें। तो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के हम लोग डॉक्यूमेंट्स फाइल ले लेते हैं, 10-10 रुपए की आती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं। बट इनमें डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं रखने हैं और एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, तो इनका एक डीआईवाई बनाइए। इनके ऊपर कोई भी आप गिफ्ट रैप पेपर, वॉल पेपर या कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा दिखे। उसको मैंने फेवी क्विक की हेल्प से स्टिक कर दिया है, फेवी बॉन्ड की हेल्प से। और इसके बाद अंदर का जो पार्ट है उसमें भी मैं यही लगाऊंगी ग्लू, और ये अच्छे से दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम बहुत सारा सामान रखना चाहते हैं बट स्पेस ना होने की वजह से नहीं रख पाते। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सामने से दिख भी नहीं रहा है क्या क्या मैंने रखा है। इसको मैं लगाने वाली हूँ बेड के साइड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम बेड पर रखते जाते हैं, जैसे कि रिमोट हो गए, आई ड्रॉप वगैरह हो गई, कोई भी हम लोग चश्मा यूज़ कर रहे हैं वो हो गए, तो इनको हम लोग उठ के फिर यहाँ वहाँ रखते हैं। इससे अच्छा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाइए जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए अपने कामों में, और जो भी वेस्ट है वो भी रीयूज़ हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो ये है ना कमाल की चीज़। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। और बाकी का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. अगेन आते हैं इस तरह के बैग्स पे, तो ये हम लोग अक्सर फेंक ही देते हैं, क्या ही यूज़ होता है, क्योंकि बार बार आ जाते हैं, बहुत सारा हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं। इनको हम लोग रीयूज़ करेंगे एक ऐसी जगह पर जैसे वार्डरोब हुई, इसके ऊपर हैंगर पे मैंने लटका दिया है एक साइड से कट करके, और इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपनी डेली वियर टॉवल्स, क्योंकि उनको अच्छे से अरेंज करना और उनको एक्स्ट्रा स्पेस देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने बैग को और सारी टॉवल्स को राउंड करके, फोल्ड करके और यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी निकालनी होती आसानी होगी और वार्डरोब में एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगेगा। ऊपर हैंग कर दीजिए, नीचे कोई बास्केट रख दीजिए, तो आपका एक्स्ट्रा सामान भी वहाँ पर आ जाएगा और एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने एक हैंगर वाला भी बनाया है, अगर आपको ये भी जानना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका DIY भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन आते हैं नेक्स्ट DIY पे, तो इस तरह के हम लोग बेडशीट यूज़ कर लेते हैं और प्लो कवर रह जाते हैं, भाई फटते नहीं है, बेडशीट फट जाती है, तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हैंगर इसको लगा दीजिए और इसमें कोई भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, और इनको यूज़ करिए अपने बाथरूम में। लॉन्ड्री बास्केट हम लोग बाहर रखते हैं बट बाथरूम में जब हम कपड़े चेंज करते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, तो उनको रखने के लिए हम लोग हैंगर पर लटका देते हैं। तो इस तरह से उनको हाइड करने के लिए आप इसका लॉन्ड्री बैग का यूज़ कर सकते हैं, या DIY लॉन्ड्री बैग बन जाता है, कपड़े भी आपके शो नहीं होंगे और काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह की एग क्रेट काफ़ी घर में आ जाती हैं जब एगों का यूज़ होता है, तो इस तरह मैं इनका कुछ DIY बनाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर एक DIY बनाऊंगी, ज़रूर आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। और इसको मैंने सारे पार्ट्स में काट लिया है, जो इसमें एग रखने की जगह होती है ना, सभी को इस तरह से काट लिया है ऊपर और नीचे वाले हिस्से को, एंड ऊपर एक छोटा सा कट बनाया है ताकि ये कैप टाइप का शो हो। इसके बाद मैं इसको करूँगी पेंट, तो इसका जो फेस है वो बनाने वाली हूँ मैं स्किन कलर से, तो स्किन कलर को रेड, येलो और वाइट मिक्स कर लीजिए तो ईजिली स्किन कलर बन जाता है। इसके बाद सारे ही इन एक्ट्रेस को मैंने पेंट कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट कलर में।
अच्छा इनमें अगर टाइम लग रहा है ना कलर करने में, तो एक बार इसको आप भिंगो लीजिए इस तरह से पानी में, उसके बाद कलर डालिए, बहुत जल्दी पेंट हो जाता है और बहुत कम कलर भी यूज होता है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we... थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर डिज़ाइन भी क्रिएट कर दिए फुलका डॉट्स बनाकर, और ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट, अच्छे से पेंट हो गए हैं, सारे कलर हो गए हैं। और अब हम इनको यूज़ करेंगे कैसे, एक थ्रेड ले लेना है और थ्रेड एक बड़ी सुई ले लेनी है, थ्रेड को बड़ी सुई में डालना है और इस तरह से इसकी फ्रॉक टाइप की बना देनी है। ये मैंने मोटा धागा लिया है तो मोटे धागे का ही यूज़ करना है, ये ईजिली इसमें आ जाते हैं और सुई की वजह से इसमें बड़े बड़े होल नहीं करने होते हैं और ईजिली ये इसके अंदर इंसर्ट भी हो जाते हैं। तो ये मैंने छोटू सा फेस बनाया है, आप लोगों को तो पता है मुझे फेस वाली चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं, तो मैं हर जगह ही फेस ड्रॉ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा सुंदर की जगह ना क्यूटनेस भी बढ़ जाती है। इनको मैंने सिल लिया है और ये बन गई हैं छोटी छोटी सी सुंदर सी डॉल, अच्छे से टाई कर देंगे। दोनों ही मैंने सेम ऐसे ही बना ली हैं और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, आप इनको मिनिएचर गार्डन में लगाना चाहें तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपने गार्डन बनाया है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या आपने रूम वगैरह में भी इनको डेकोरेट करके रख सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, आप लोग बताइए कि कैसी लगी। अच्छा कई लोग कहेंगे कि ये आपने चोरी किया है, तो हाँ ये मैंने पिंटरेस्ट पे मुझे मिला था तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये DIYs, तो मैंने सोचा चलिए फिर मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हैं, तो ये चोरी नहीं किया, ये पिंटरेस्ट पे मुझे मिले थे। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आया है तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।